गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो संडे की छुट्टी आप सभी ने मनाई, कैसी रही? संडे को तो भूल ही गए हो सारे, कोरोना लॉकडाउन, संडे का तो कोई इज्जत ही नहीं रही, सारे हर दिन संडे हो रहा है आप लोगों के लिए। चलो भाई, हमने लास्ट वीडियो में अपनी 9th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट आपकी मैटरिना और सराउंडिंग्स वो शुरू की थी, उसका एक लेक्चर हमने डिलीवर ऑलरेडी कर दिया है, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बताओ। मैटर सराउंडिंग, उसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत एटम एलिमेंट उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कैसे उनमें मूवमेंट होती है, कैसे उनमें अट्रैक्शन होता है, कैसे स्पेस के बारे में, तीन उनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे। वो सब मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो में देख लिए होंगे और अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो आज हमारा है सेकेंड लेक्चर, वही यूनिट 1 मैटर एंड सराउंडिंग्स। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। तो जुड़े रहिए, स्टे होम स्टे हेल्दी, सभी का ध्यान रखें। तो देखो, जो सेकंड यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा पढ़ेंगे, आप सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, स्टेट्स लिख लो, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स हिंदी में अगर थोड़ी बात करें, अवस्था। देखो आप सभी हिंदी में अगर थोड़ा पढ़े होंगे, वैसे इंग्लिश में पर जानते होंगे सभी, सॉलिड लिक्विड गैस सभी ने सुना होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर है तीन, क्या क्या है? सॉलिड, दूसरी क्या है? लिक्विड, और तीसरी क्या है? गैस। बस आज ये पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़े। ये तीनों क्या है? ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर इन आवर सिलेबस, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस आप सभी ने पढ़ा होगा, हम इनकी चार चार तीन तीन अच्छी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं तीनों के, ऐसी लिखी हैं कि आप एक का याद करो बाकी दो का अपने आप बना लो, तो आपको बस थोड़ा सा समझना है, उसके बाद एक का याद कर लेना, बाकी सब का अपने आप बिना याद किए एक का देख के लिख पाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है सॉलिड लिक्विड गैस का, वो लिखने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं सॉलिड के बारे में। देखो, तो सॉलिड कुछ ऐसा होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, ये आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इनमें बहुत कम स्पेस होता है, और इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखने का, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस टाइप का हमारा सॉलिड होते हैं। देखो, पार्टिकल बहुत आपस में क्लोज होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, और उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, चिपकने का कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, जो भी दो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को एटम्स आपस में खींचते हैं, आपस में बांध के रखते हैं, तो उसके कारण ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत नजदीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके एटम्स के बीच में, किसके में? सॉलिड के एटम्स बहुत पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनकी शेप थोड़ी डेफिनेट होती है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में थोड़ा सा जो अट्रैक्शन होता है आपस में पार्टिकल, वो थोड़ा सा कम होता है, उससे क्या होता है, वो थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। वो सॉलिड था, ये लिक्विड का केस हो गया मान लो। यहाँ देखो, ये दो एटम्स में कितना पास बिल्कुल जुड़े हुए थे, यहाँ स्पेस बहुत मिनिमम था, यहाँ पे देखो स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया किसमें? एटम्स के बीच में। तो मतलब क्यों आया भाई? दो चीजें हैं, एक स्ट्रॉन्ग, दो मैग्नेट है मान लो, दो मैग्नेट को आप नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल ऐसे चिपका दो, बिल्कुल चिपक जाएंगे, वो क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम करेंगे, एक मैग्नेट अच्छी है और एक ऐसे ही है, हमारा कोई बहुत ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, आयरन भी नहीं है, ऐसा है कि थोड़ा बहुत उससे हो जाए, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा बहुत ना हो, उनको पास लाओगे तो क्या है, वो थोड़े दूर दूर ही रहेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा जितना उन दोनों के आपस में होता था। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एटम्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और एटम्स दूर दूर होते हैं, इसके कारण ये बहुत ही सॉलिड होता है, कठोर हार्ड होता है, ये थोड़े से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। आज अब गैस में, गैस को आप अपने आप लिख लोगे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक पता नहीं कहाँ है, एक इधर है, इधर है ही नहीं, इनमें कुछ है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं होती इनकी। तो इनको ऐसे समझो आप, यहाँ पे एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सॉलिड से कम है, और यहाँ नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, नहीं होता, इसको नॉर्मल केस में यहाँ हवा छोड़ दो
पास आएंगे नहीं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, आप उनको मिला ही नहीं सकते, इन्फिनिटी पे जाके उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, लेकिन इनमें अट्रैक्शन होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नोट आप लिखोगे तो पहले नोट, पहला नोट लिखो, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, शेप सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, पहला पॉइंट लिख लो। बताओ लिक्विड के बारे में क्या इसकी डेफिनेट शेप होती है लिक्विड की, बताओ भाई। डेफिनेट शेप का मतलब है जैसे हमारे ये लस्टर है, सॉलिड है, इसकी ये शेप है, ये ऐसी ही रहेगी, इसको आप कहीं भी रख लो कैसे भी रख लो ये ऐसी ही रहेगी क्योंकि सॉलिड है, इसकी शेप एक बार बन गई तो वही बन गई। लिक्विड है, पानी का गिलास है, ग्लास में है तो ग्लास की शेप ले लेगा, मग में डाल देंगे मग की होगी, बोतल में डाल दी बोतल की, बकेट में डाल दी बकेट की, कोई डेफिनेट शेप नहीं है उसकी, उसको जिस भी बर्तन में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। तो इसकी क्या शेप होगी बताओ, नो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। गैस में आओ, इसके तो इनडेफिनेट लिख दो, गैसेस हैव, इसमें भी नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। गैस का कैसे करोगे आप डेफिनेट, गैस को जहां भी छोड़ोगे उसी रूम, इस रूम में छोड़ दो इस रूम की होके रह जाएगी, फैल जाएगी चारों तरफ, छोटे रूम में छोड़ दो उसकी छोटे रूम में फैल जाएगी, कहीं कंटेनर में छोड़ दो, किसी अलमीरा में छोड़ दो, गैस की क्या शेप है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, जहां जगह मिलेगी उठ जाएंगे, ठीक है, शेप के बारे में कर लोगे। अगला पॉइंट लिखो, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डेफिनेट या देखो सॉलिड है, एक टेबल है घर पे, उसकी कुछ बाउंड्री है, ये कोना ये कोना ये कोना, उसकी एक लिमिट है कि ये यहां तक फैला हुआ है, तो सॉलिड्स है वो, सॉलिड्स है वो डेफिनेट बाउंड्रीज, डेफिनेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज होती है ना किसकी, सॉलिड्स की। यहाँ पे बताओ लिक्विड की होती है, भाई लिक्विड पानी का गिलास है, उसको हमने ऐसे फर्श पे गिरा दिया, क्या उसकी बाउंड्री बता पाओगे कि वो कहां तक जाएगा, कैसे कहां तक वो पहुंच सकता है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं, डिपेंड करता फर्श कैसा है, गिल्ला है सूखा है मार्बल है क्या है, उसकी कोई शेप नहीं है, फर्श पे डिपेंड करेगा जहां गिरेगा। तो लिक्विड की नो लिक्विड हैव इनडेफिनेट बाउंड्रीज, जिस किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो वो मेरे मुंह को सुने, मेरी आवाज को सुने और लिखे। बताओ गैसेस के बारे में, गैसेस की क्या होती है, गैसेस की भी कोई नहीं होती बाउंड्रीज, गैसेस हैव इनडेफिनेट बाउंड्रीज। मेरे ख्याल में बाउंड्रीज के बारे में आप सभी कर लोगे। रिजिड, देखो ये होता है रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, सॉलिड कठोर होता है भाई, ये कठोर है, मारो नहीं होगा कुछ नहीं होगा, जो सॉलिड होगा वो बहुत ही रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, इसमें कुछ बताने का नहीं है, सॉलिड को आप उठा लेना, ईट है मुक्का मारो कुछ नहीं होगा, मुक्का टूट जाएगा, ईट नहीं टूटेगी, आप अगर नॉर्मल पर्सन हो तो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आगे बताओ लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, देखो ये स्पेशल याद करते हैं, सॉलिड जो होते हैं हमारे रिजिडिटी शो करते हैं, रिजिडिटी कठोरता, लिक्विड करते हैं फ्लूडिटी, फ्लूडिटी का मतलब होता है बहना बहाव, लिक्विड क्या करते हैं यहाँ डाल दे बहने लग जाएंगे, यहाँ से वहां चले जाएंगे, क्या सॉलिडिटी यहाँ डाल दे अपने आप वहां चली जाएगी, नहीं, पानी का गिलास यहाँ डाल देंगे तो पानी यहाँ से वहां चला जाएगा। सॉलिड्स होते हैं रिजिड, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं रिजिडिटी, लिक्विड्स होते हैं फ्लूड, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लूडिटी, और गैसेज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिजिड भी नहीं है फ्लूड भी नहीं है, ये उड़ती रहती है हवा में, ठीक है। आगे देखो इधर, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, देख लेना सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको हम प्रेस कर कंप्रेस करके और पास नहीं ला सकते, हमने बताया पहले पॉइंट में यहाँ पे कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम आपस में चिपके हुए हैं, जब वो आपस में खुद से ही पहले चिपके हुए हैं तो हम और कितना ही फोर्स लगा ले कैसे और उसको पास ले आएंगे, ऑलरेडी चिपके हुए हैं तो उनको और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ईट को आप दबा के और छोटी ईट नहीं बना सकते क्योंकि वो सॉलिड है, उसके एटम्स जो है वो खुद ही अपने आप
इतने ज्यादा नजदीक है कि उससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। लिक्विड का बताओ, ए लिटिल कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट, कंप्रेसिबल लिक्विड होते हैं, कंप्रेसिबल अप टू सर्टेन लिमिट। गैस का बताओ, गैस होती है भाई हाई कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। अगर आपने पहला पॉइंट ढंग से समझा होगा, सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैसेज में बहुत दूर, तो ये ऑलरेडी बहुत पास है, तो इनको हम और दबा के पास नहीं ला सकते, ये थोड़े थोड़े दूर है, तो इनको कुछ दबा सकते हैं हम कि पास आ जाए, लेकिन ये तो बहुत दूर है, इनको तो हम बहुत ज्यादा दबा दबा के बिल्कुल पास लगते हैं, मतलब हाईली कंप्रेसिबल है। इस पूरे रूम में जो गैस है उसको हम कंप्रेस करके एक डब्बे में डाल सकते हैं, इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल होती है गैसेस। हो जाएगा, चलो आगे देखो, डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसमें ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेट क्या होगी, वॉल्यूम। भाई शेप अगर सेम है, सॉलिड से हो हार्ड शेप, रिजिड शेप, तो वॉल्यूम भी डेफिनेट शेप की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसके लिए बताओ, लिक्विड के लिए ग्लास है, एक लीटर पानी ग्लास में, एक लीटर पानी उसी ग्लास को हमने बाल्टी में डाल दिया, क्या एक लीटर से वो आधा लीटर हो जाएगा, नहीं होगा ना, जितना एक लीटर इसमें है इतना एक लीटर इसमें होगा, शेप चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। मान लो यहाँ पे एक 10 लीटर की बाल्टी है, उस 10 लीटर की बाल्टी के पानी को हमने 20 लीटर की बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी 20 लीटर वाली बड़ी है थोड़ी, तो हो सकता है ये बाल्टी फुल हो, ये हाफ हो, ये 10 लीटर की जिसमें 10 लीटर पानी था ये पूरी भरी हुई थी, अगर 20 वाली में डाल देते आधी भरी हुई होगी, शेप चेंज होगी, वहां फुल थी ये हाफ हो गई, उसकी चेंजमेंट आ गया, लेकिन है तो 10 लीटर ही। वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट, कितना कितना मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब उसने एरिया कवर किया हुआ है, तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा, तो इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड की भी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, लिक्विड की भी वॉल्यूम होती है डेफिनेट, लेकिन गैसेज की होती है इनडेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट वॉल्यूम। गैसेज के में लिखोगे आप इनडेफिनेट वॉल्यूम, मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत नहीं है। गैसेज जैसे मैंने बताया, इस रूम की गैस को कंप्रेस करके, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल होती है, हम एक ग्लास में पैक कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, अभी एक ग्लास में, अब इसको खुला छोड़ दिया इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर, तो रूम में आ गए, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो ये चार चार पांच पांच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सॉलिड लिक्विड गैस के आप सभी को आने चाहिए। आज के लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम होता है, यहाँ इससे कम होता है सॉलिड से, और यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। देखते हैं लेक्चर कितना लंबा है, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो चल रही है, और उसमें हमने इनिशियल स्टार्टिंग के तीन चार पेज अपने एनसीईआरटी के कर लिए, बेसिक बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली, और कुछ एक जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ ली, और यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हो गया। अभी देखो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, लिखो नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने ये फैसला किया है कि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना देने की बजाय छोटी छोटी वीडियोस में एक एक टॉपिक कराएं, ताकि आप बोर ना हो और आपको समझ में आता रहे। तो हमारा यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें घर पे बैठ के, ताकि आप जब स्कूल जाएं तो आपको ये ना लगे कि हम छुट्टी काट के आए हैं, आपको स्कूल का जो माहौल है, स्कूल के जो होमवर्क है, या स्कूल का जो एंटरटेनमेंट है, वो हम इस माध्यम से आप तक पहुँचाते रहें। तो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यहीं से लिख लेते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम कुछ कराएंगे नहीं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, सॉलिड लिक्विड गैस, और इधर लिख देते हैं फिर से, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन ही होते हैं ना। देखो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, बस ये पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दो तरीके से कर सकते हैं हम, नंबर एक बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इधर लिखेंगे हम नंबर दो पे, बाय चेंजिंग प्रेशर,
बाय चेंज इन प्रेशर। अब देखो आपको होमवर्क इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहे, बस नहीं पढ़ेंगे, एक टॉपिक हो गया हमारा, एक टॉपिक क्या करेंगे डेली, इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क है कि आपको सॉलिड पे ये टेम्परेचर का चेंज करके अपना दिमाग लगाना है कि क्या होगा, क्या सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा गैस बनेगा, या गैस का घटाएंगे तो क्या होगा। इन पे जो आपके दिमाग में जो आता है कि हम सॉलिड लिक्विड गैस पे जब टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, कम करते हैं ज्यादा करते हैं, तो कैसे उनकी स्टेट्स चेंज होती है, क्या पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट्स चेंज होना किसके हिसाब से, टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको पढ़ सकते हो, इसको खुद कर सकते हो तो करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, इसको पढ़ना थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब जो इससे रिलेटेड है वो सारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर से आपको कहूँगा ये वीडियो पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो जरूर देखना, ये यहीं पे रहेंगी, इसको दो दिन बाद देख लेना, संडे की छुट्टी होगी तो अगर कोई पीछे रह जाए तो संडे को कवर कर लेना, लेकिन बेसिक वीडियो ज़रूर देखना, ये मैं रिकमेंड करूँगा। और बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कुछ हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ सभी लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सके। तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।